ये तो हर किसी को मालूम, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का 5 T20 मैचों का सीरीज खेलने जाने वाला। बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कर दिए अपने प्लेइंग 11 और 11 किन किन भूखे शेर को अपने प्लेइंग 11 में शामिल किए बाबर आजम, आप लोग भी जानना चाहते हो गाइस तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब। चलिए वीडियो शुरू करते। ये भी हर किसी को मालूम है कि बाबर आजम इस मैच का कैप्टन है और शादाब खान वाइस कैप्टन है। पिछले अफगानिस्तान के खिलाफ शादाब खान कैप्टन थे, इनको बाबर आजम को आराम दिया गया था। उसके बाद मोहम्मद रिजवान को आराम दिया गया था, शहनशाह अफरीदी को आराम दिया गया था। तो ये सब खिलाड़ी बस आ गए, ये सब खिलाड़ी इस मैच में खेलेंगे क्योंकि पाकिस्तान में मैच होने वाला है। तो पाकिस्तान को मजबूत टीम चाहिए और पाकिस्तान को मैच जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि पिछले बार जो शादाब खान अब कैप्टनसी करने गए थे, दुबई में मैच हुआ था और 2 मैच हार गए थे, 2-1 से अफगानिस्तान T20 सीरीज में जीता हुआ था। तो इस बार नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की कोई सीरीज हारे, वो अपने घर पे हारे क्योंकि न्यूजीलैंड उनके घर पे खेलने जा रहा है। और न्यूजीलैंड किसी को मालूम है T20 मैच में बहुत शानदार और जबरदस्त टीम है, ये भी हर किसी को मालूम है। जब भी ICC टूर्नामेंट होता है सेमीफाइनल फाइनल वो खेलते हैं न्यूजीलैंड। तो बाबर आजम किन 11 भूखे शेर को अपने टीम में शामिल किए हैं, किन किन 11 खिलाड़ियों को बाबर आजम में शामिल किया अपने प्लेइंग 11। सबसे पहले खुद बाबर आजम ओपनिंग करने आएंगे जो कि PSL में जबरदस्त रन बनाए थे, शानदार बनाए थे, टॉप स्कोरर भी थे, नंबर टॉप 2 पे फिनिश किए। तो जबरदस्त बैटिंग, शानदार बैटिंग, सेंचुरी भी PSL में आया था, वही फॉर्म को कैरी करके न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार रन बनाए और शुरुआत भी अच्छा दे, अपना टीम को मैच जिताए। उनके साथ ओपनिंग करने आएंगे मोहम्मद रिजवान PSL का टॉप स्कोरर थे, नंबर 1 टॉप स्कोरर थे, 550 रन बनाए हुए थे, शानदार बैटिंग किए थे, अपने टीम को फाइनल पहुंचाए थे, फाइनल हार गए थे, जबरदस्त बैटिंग, शानदार बैटिंग किया था, अपने कैप्टनशिप में मुल्तान सिंह फाइनल पहुंचाए थे, जो कि मोहम्मद रिजवान शानदार बैटिंग किए थे, 100 भी था और जबरदस्त बैटिंग, शानदार बैटिंग था। तो ये दोनों आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम टॉप ऑर्डर में आके अच्छा शुरुआत दे पाकिस्तान को। नंबर 3 पे फकर जवान PSL में सेंचुरी मारे हुए थे और शानदार रन बनाए थे, जबरदस्त फॉर्म लगा हुआ है और ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, लंबे लंबे सिक्सर भी मारते हैं। तो इनके ऊपर भी दारोमदार रहेगा कि नंबर 3 पे आके रन बना के दें और पाकिस्तान को मैच जिताएं। एग्रेसिव बैटिंग करते हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। नंबर 4 पे देखा जाए तो मोहम्मद हारिस ओपनिंग करने आते हैं, इस मैच में उनको ओपनिंग करते हुए आप नहीं दिखोगे, इसलिए नहीं दिखोगे क्योंकि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। मोहम्मद हारिस जबरदस्त बैटिंग करते हैं, शानदार बैटिंग, ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं और ये एग्रेसिव बैटिंग करते हैं, कम बॉल पे ज्यादा रन बनाते हैं। तो इनसे भी उम्मीद रहेगा पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान अवाम को, पाकिस्तान फैंस को कि ये भी नंबर 4 पे आके ताबड़तोड़ बैटिंग करे और टीम को मैच जिताए। नंबर 5 में इस्तिकार अहमद PSL गया तो उसमें अच्छा रन नहीं बनाए हुए थे, उसमें उनका परफॉर्म अच्छा नहीं था, उनका उसमें फॉर्म नहीं लगा हुआ था, फिर भी इनको पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया। तो नंबर 5 पे आप इस्तिकार अहमद को खेलते दिखोगे जो कि ये भी एग्रेसिव बैटिंग करते हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, लंबे छक्के मारते हैं, पाकिस्तान को मैच जिताए, मिड ऑर्डर में आके रन बनाए और ये स्पिन भी बॉलिंग कर लेते हैं, ऑलराउंडर भी है। तो नंबर 5 में आप इस्तिकार अहमद को खेलते हुए दिखोगे। नंबर 6 पे आप देखोगे तो शादाब खान, जो कि शादाब खान ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी जबरदस्त करते हैं और बैटिंग भी जबरदस्त करते हैं, ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा पैकेज लेके आते हैं, जब जरूरत पड़ता है बैटिंग से नंबर 3 पे जाकर बैटिंग करते हैं, नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं, कहीं भी इनको बॉल बैटिंग करा दो तो ये रन बना के देते हैं, एग्रेसिव बैटिंग करते हैं और बॉलिंग से विकेट लेके भी देते हैं, जब टीम को जरूरत पड़ता है तो विकेट लेके भी देते हैं, की प्लेयर हो सकते हैं पाकिस्तान के क्योंकि ऑलराउंडर बैटिंग और बॉलिंग से ये जबरदस्त करते हैं। नंबर 7 पे देखा जाए तो मोहम्मद नवाज भी ऑलराउंडर, बैटिंग भी अच्छा करते हैं और बॉलिंग भी अच्छा करते हैं, बॉलिंग से विकेट लेके देते हैं, जब जरूरत पड़ता है बैटिंग से भी मैच जिता के देखे पाकिस्तान को। तो ये नंबर 7 पे आपको कि मोहम्मद नवाज पे बैटिंग करते और बॉलिंग करते आपको दिखेगा, PSL इनका अच्छा नहीं गया था, हर कोई यही चाहेगा कि वो PSL को भूल के आगे बढ़ के पाकिस्तान को टीम को जिताए और न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार बॉलिंग और शानदार बैटिंग से पाकिस्तान को मैच जिताए। नंबर 8 पे फहीम अशरफ जबरदस्त इनका PSL गया, शानदार PSL गया, ताबड़तोड़ बैटिंग की और बॉलिंग से भी ये विकेट लेके दिए इस्लामाबाद को, जो कि जब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इनको पाकिस्तान की टीम में शामिल किया, शानदार बॉलिंग और बैटिंग से पाकिस्तान की टीम को जो प्लेस देते हैं। नंबर 9 पे शहनशाह अफरीदी रन बना के देते, लंबे लंबे छक्के मारते हैं, बॉलिंग से तो हर किसी को मालूम है ताबड़तोड़ बॉलिंग करते हैं, शुरुआत में विकेट लेके देते हैं और दूसरे टीम को बैकफुट में डाल देते हैं। शहनशाह अफरीदी आप नंबर 9 पे खेलते हुए दिखोगे जो जबरदस्त बॉलिंग करते, एग्रेसिव बॉलिंग करते, बहुत इंजरीज वापस आ रहे हैं, तो PSL में जबरदस्त परफॉर्म किए थे, फॉर्म को कैरी करके ये पाकिस्तान टीम को मैच जिताए। नंबर 10 पे नसीम शाह जबरदस्त बॉलिंग करते, शानदार बॉलिंग करते, हर किसी को मालूम नसीम शाह बॉलिंग से भी ये विकेट लेके देते हैं। तो अब नंबर 10 पे नसीम शाह को
खेलते दिखोगे। नंबर 11 पे हारिस रौफ, किसी को मालूम हारिस रौफ जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, शानदार बॉलिंग करते हैं, जो कि जो होता है पाकिस्तान टीम को तो बॉलिंग से विकेट लेके देते हैं, शानदार बॉलिंग करते हैं, जबरदस्त बॉलिंग, डेढ़ ओवर में जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, जो दूसरा टीम को रन बनाने नहीं देते हैं, विकेट भी लेके देते, शानदार बॉलिंग करते हैं, जबरदस्त बॉलिंग करते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये जो 11 खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिखेंगे, बाबर आजम ने ये भूखे शेर 11 ऐलान किए हैं। प्लेइंग 11 शानदार प्लेइंग 11 ये आपको खेलते हुए दिखेंगे, इनके खिलाफ फर्स्ट T20 के लिए प्लेइंग 11 है। तो आपको गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लेइंग 11 अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।